नमस्कार, आमर स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम सुस्थ जीवन सरल सूत्र को स्वागत करुछु। मुँ संगीता। दर्शक बंधु, माइग्रेन बा अर्धकपाली ए विषय से आलोचना करिबा। एहा कौन काहेकि होइथाय, यार लक्षण कौन आ चिकित्सा कौन, आलोचना करिबा। आम सहित जोड़ी होउछंती न्यूरो प्रोफेसर डॉक्टर शामी शेले। आपण को कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार, आपण केमती अछंती? भल अछि मैडम, आपण देखिया हरि भल अछि। बहुत बढ़िया लागिला आपण को सहित आलोचना भी करिवु, किंतु आमे अति साधारण भाषा रे आमे केमती लोक मानक बुझेबा, जो माने भी बुझी नांती। प्राय तो समस्त जानिछन्ती माइग्रेन कौन, किंतु जो माने पूरा डिटेल्स रे जानि नांती, आपण केमती बुझे अति सरल भाषा रे अर्धकपाली बा माइग्रेन माने कौन? आज ओडिशा रिपोर्टर रे साइंटिफिक सेशन को स्वागत करूछि। आपण निश्चय लाइक करिवा, सब्सक्राइब करिवा निश्चय। फर्स्ट आसे आमे माइग्रेन। माइग्रेन गोटे ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड माने अर्ध कपाल, से ग्रीक रु लेखा छ अर्ध कपाल। तनो आमे नॉर्मली लेमेन बानु जो माने भी आसंती अधा कपाल होई के ताको माइग्रेन बोली नॉर्मल धरा जाए, किंतु हेई पारे माइग्रेन दी साइड भी हेई पारे। आ नॉर्मली आमर जो माइग्रेन हुए बेसी झियों को भीतर हुए, 20 रु 40 वर्ष भीतर बेसी हुए, पुओ को भीतर कम हुए। जो मान को 20 वर्ष रु कम थाए सेई मान को पुओ मान को बेसी हुए। तनो जदे आर्बिट्री आमे कंसीडर करिवा हॉस्पिटल को जो माने भी आसंती, प्राय झ माने ही आसंती माने एंती डिफरेंस काई के आमे भी तथ्य देखुतुलु, माने 5 जण को मध्यरु महिला को क्षेत्र रे जणे एवं 15 जण को मध्यरु पुरुष क्षेत्र रे जणे, एंती काई के डिफरेंस? देखो फीमेल मान महिला मान बेसी धरा जाए तार हार्मोनल डिसबैलेंस पाई। हार्मोनल एकटा मेन फैक्टर ला देखे, मैक्सिमम झंकर हुए थिक मेंस हेला बड़ को पेन करिवो, प्रेगनेंसी बड़ को पेन करिवो, मेंस रो बंद हे जा मेनोपॉजल को पेन करे। तो जहां कंसीडर करा जाए हार्मोन ता प्रथम फैक्टर जोटा की माइग्रेन पेन करे। तो हार्मोन हिसाब रे कंसीडर करले फीमेल को बेसी हुए। नॉर्मली आमे रेगुलरली आम हॉस्पिटल माइग्रेन की आपण घरे निश्चय देखिए कहीं ना कहीं माइग्रेन रे सफर करते अर्ध कपाल रे। तो नॉर्मली आमे जो अर्ध कपाल देखो, नॉर्मली आमे देखो जेनेटिक माने वंशगत, आइदर आपण बापा करथिबो कि मां करथिबो कि दी जन करथिबो वंशगत था। अच्छा अच्छा। किबा एनवायरमेंटल, आपण ठंडा जा को जाइछंती कि गोटे अति गरम जा को जाइछंती, एनवायरमेंटल भी हे पारे माइग्रेन। थर्ड हला आपण सीरोटोनिन, आम ब्रेन रे नॉर्मली गोटे सीरोटोनिन बोले हार्मोन आसे, जो हार्मोन डिसबैलेंस जो लोग पगड़ा भी होती बिहेवियर खराब हुए माइग्रेन हुए, तो वो डिसबैलेंस सीरोटोनिन हेले भी माइग्रेन हुए। अच्छा। आउ गोटे हेला आमो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज भी जदि हबो ब्रेन रो डिसबैलेंस तल ता पई भी माइग्रेन हेई पारे। तो ये विभिन्न कारण नै माइग्रेन आसे, किंतु नॉर्मल जो माने आम पको आसंती माइग्रेन नै कि जानिया पई ताकर आमे को दी प्रकार माइग्रेन, गोटे हेला आमर क्लासिकल माइग्रेन जा को आजे, आ गोटे हेला नॉर्मल माइग्रेन। माने ई दी भीतर डिफरेंस कोन को कारण पई होइथे? क्लासिकल माइग्रेन हेले माइग्रेन हेबार घंटे आगरु लोक जानि परिबो जे तार मुंड बथा हबो। अच्छा। ता सिग्नल आसी जो जेंती आखि भीतर आपन को किछि छाई लागिवो कि को जो बासना गोटे आसीबो कि ताको गोटे अबाग्या लागिवो, घंटे आगर सण जानि परते ताको माइग्रेन से टाइम रे रिजिड भी लागिवो आसीबो कि गोटे इरिटेबल लागिवो, तो सण जानि जाती सेटा बहुत कम। कि क्लासिकल अन्य माइग्रेन जो नॉर्मल माइग्रेन ए त कि जानि हुए नि हटात आसे। अच्छा। और नॉर्मल माइग्रेन जो हमर हुए नॉर्मली आरंभ है कि 72 घंटा भीतर चली जाए, जो को हमें कोहे नॉर्मल माइग्रेन। आउ गोटे गोटे माइग्रेन था क्रॉनिक माइग्रेन आम कहूँ, जोटा कि आपको कंटिन्यूस मुंड बिंधु थो से मेडिसिन नवा पर न कमिबो नाही, तो कंटिन्यूस माइग्रेन कहा जाए। सेकेंड बर्तन इम्पोर्टेंट जिनस लोक पचार सर माइग्रेन मोर हो कहीं माइग्रेन जो हुए से रोग आपण किसी जिनस थाए जोटा कि आप माइग्रेन टाक बढ़े दिए किसी जिन सपोज गोटे लोक मद पिछे सब मद नहीं रेड वाइन पिछे कि कॉफी पिछे किबा खीर जातीय खाद्य खाऊची, तो एई गुडा किछि किछि ता रेस्ट्रिक्शन अछि किबा लाइट कु जाऊची प्रचंड लाइट कि जाऊची कि बाहागिरा डीजे साउंड सुनुची। अच्छा। तो हार्मोनल डिसबैलेंस जेनु कहितली स्त्री लोक मानकर हार्मोनल डिसबैलेंस होउची, आपण बेसी लैपटॉप यूज करछन बेसी लाइट देकी कि मोबाइल को बारंबार देखुछंती, तो आजकल जो जोटा प्रोमिनेंट फैक्टर लैपटॉप एंड मोबाइल, तो एई जदि समराइज करबा एई जिनसो गुडा हेला परे आमको माइग्रेन ता
सबुले एगुरा पेट्रोल भाया काम करे जेंति अपन पेट्रोल निया लगे माचिस दरकार त माइग्रेन रोगी त थिबो किंतु एगुरा जे तासो कोनसी हेड हेगला त हेडेकटा होरि जो माने इनिशियल स्टेज रे कोन थाए आमे तो जहा रिपोर्ट भी देखिथिलु एवं तथ्य जहा कहउछि कि प्रति वर्ष 10 मिलियन रु अधिक माने केसेस भी आसी थाए किंतु वास्तव रे जेते बले जणकर माइग्रेन हे थाए गोटे साइड बिंधा हो थाए केमति इनिशियल स्टेज रे से कोन करिवो एवं इनिशियल स्टेज रे से केमति जानिवो देखो नॉर्मली जो मन माइग्रेन हुए से जो क्रॉनिक था तेणु जो मैंने आसती सर कहते आम मुंड अर्धफाड़ बता हो मुंड बता पर्टिकुलर देखिए सका उठेला बेसी हुए दिन जिते सूर्य बढ़ो मुंड बता से बढ़ी चलो सूर्यास्त होगापर मुंड बता टे कमी जाए तेणु यहाँ फैक्टर तार क्या कह दी दिन भी माइग्रेन हो पाए क्या क्या माइग्रेन सहित बांति भी हो पाए तेणु माइग्रेन हेडेक से लोक जहाँ माइग्रेन हे से हिस्ट्री कह मोर बारंबार मुंड बिंधुची सर रेगुलरली मुंड बिंधुची मो सारिडन टैबलेट गोटे खाईदे कि दोकान गोटे बिंधा टैबलेट खाईदे मो बिंधा कमी जा तेणु यही फैक्टर औषध खाइले कमी जाऊ तेणु से आमपाक आसती नहीं घर जहाँ मुंड बिंधला टैबलेट खाई आमपाक नर्माल आसती औषध खाइला पर ही कमे ना सपोज गोटे माइग्रेन हूँ बांति बंद हो कि माइग्रेन सहित बात मारूँ से नर्माली आमपाक आसंती मेडिकल हॉस्पिटल से किंतु यार कॉम्प्लेक्स स्टेज टा कोन कॉम्प्लेक्स स्टेज जे माने जो हेडेक हो आपण नेचुरल डे टू डे किछ काम करि परिबे नाही आपण नॉर्मल लाइफस्टाइल टोटल बदल जीवो गोटे माइग्रेन जेते गोटे लोक को होए सको जो लोक माइग्रेन ताकु पचेरे से कहि परे केते कष्ट यंत्रणा तो ताको जो लाइफस्टाइल पूरा चेंज है काम करे इच्छा होयनी जदि सपोज कहार मासे दे मासे थरे अटैक होची चलो कि जार बारंबार अटैक होतीदिन हो दिन छदिन हो तो लाइफ बहुत चेंज हो जाए एक दुई रहा माइग्रेन आ गए प्रमुख कार्य स्ट्रेस आजकल जो आम समस्त टेनसन स्ट्रेस काम करुँ तेणु जो लोग माइग्रेन होते हैं फास्ट कहूँ बापा स्ट्रेन कमाओ शुअ 7-8 घंटा नर्माली अत्यधिक शोले भी सुनी था कि मुंड बिंधा भी नॉर्मली हमें 7-8 घंटा साइंटिफिक सोइबो को मैं ताठ अधिक सोइले भी मुंड बिंधा है जो सोती लोग निद बटिकन ले सोइबो नेचुरल नॉर्मल लोग 8-9 घंटा पर प्राय उठी जाते तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस कि बहुत लोग अच्छे 3 घंटा सोती 4 घंटा सोती माइग्रेन जो हिस्ट्री थी तर माइग्रेन थी तेज़ बढ़ी जीव माइग्रेन जो सौ नाऊ न्लस जो मैंने फास्टिंग रखते आप सोसाइटी स्त्री लोक बहुत फास्टिंग अच्छे विभिन्न पूजा पर्वाणी फास्टिंग तेणु जो मैं माइग्रेन थाए मना करूँ आप फास्टिंग टी दूर रही है जदि सपोज आप माइग्रेन अच्छी हिस्ट्री जी फास्टिंग रखे माइग्रेन आहरी बढ़ी जाए कहीं सुगर लेवल कमी गले माइग्रेन पेन टा आहरी बढ़ जाए तेणु आम एवोड करूँ फास्टिंग को एवोड कर जब आप माइग्रेन हिस्ट्री अच्छी तेणु ये कारण जो माइग्रेन जो कमन रोग समस्त कमन माइग्रेन तेनाली माइग्रेन को कहुए आप नर्माली एवोड करेंगे जो गुड़ा आप कहुई एवोड करेंगे शांति से शोबे लाइट बंद जदि आप हटात माइग्रेन आसूस सपोज गोटे पेसेंट को मुंड बिंधुची गोटे क्या मुंड बिंधिला कि हटात माइग्रेन अटैक आसला तो ये कहुए पीसफुल गोटे अंधार रूम को चल जातु पीसफुल लाइट ऑफ माने ये सब ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट आम ट्रीटमेंट कांसेप्ट को आसी जदी लोकल ट्रीटमेंट आपन कहबे आज्ञा आपन कहा जदी बिंधा आसीला आपन संगे संग लाइट ऑफ कर दंतु साउंड ऑफ कर दंतु मोबाइल की लैपटॉप यूज कर दंतु मोबाइल तो समस्त 24 घंटा यूज कर मोबाइल ऑफ कर दंतु जाई की चुपचाप घर भीतर सोई जातु किसी समय जो माने ऑफिस रे काम करूछंती जो माने गरीब जो माने दिन मजूरिया से माने मजूरी लागिले तांकर परिवार चलथे से माने कोन करिवे देखो नॉर्मली कोन रोगोटा किछ गरीब धनी की समस्त को हेथे तो से माने कोन करिवे तो प्रिकॉशन माने बाध्य सपोज गोटे वर्कर अछि कि ऑफिस काम करछि आपन जो सब वर्किंग लेडी की अछि तार जे देखला माइग्रेन अटैक होछि तो से इमीडिएटली काम बंद कर जाय किछ समय जाय की रेस्ट नहीं देवे रेस्ट नेला भीतर कहा जाए जदि आप ठंडा पानी मुंडर देवे ताहले पेन टा भी उपशम हो जाए किंतु डॉक्टर शालिम जते बेले सही समय जति हमें रेस्ट न नै कि हमें अगेन काम करबा तबे कोन होइथे नेचुरली आपन जते काम करे बिना बडी बडी चलिबो आपन जते पेन टा न कमले नेचुरली आपन काम करता काम करि पारिबे नै बहुत रिजिड लागे मु भी फील करछि बहुत रिजिड लागे चिचिडाबो काम करि पारि मुंड बिंधा गो एमिति रोग जहां मुंड बिंधा से कहि पारिबे एते कष्टदायक रोग तनो से किछ काम करि पारिबो नाही इवन रातिर भी हॉस्टल झील मैंने आसती रेवन सार मुंड बिंदु छुट तेणु यहाँ गोटे क्रॉनिक डिजीज तेणु आप माइग्रेन जो है एवोड करने को चेस्टा करेंगे कौन कारण मोर हो तेणु से कारण गुड़ाक आम चेस्टा करूँ एवोड करके चलो
ନିହାତି ଇଏ ତ ଆପଣ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ପର୍ଟିକୁଲାର କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଜୋର୍ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଜୋର୍ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ସାଇଡ୍ ପୁରା ତାଙ୍କର ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ସଡନ୍ଲି କ'ଣ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଦି ହଠାତ୍ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ ସେ ନେଚୁରାଲି ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ କି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ ଯୋଉଟା କମନ୍ଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ମାନେ କିଛି ଆମେ ଘରୋଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ କମ୍ ଘରୋଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବ, ଅନ୍ଧାରୁ ଚାଲିଯିବେ, କିଛି ଲୋକ ଅଦା ଖାଇଲେ ବି କମିଯାଏ ଘରୋଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପିପାରମେଣ୍ଟ ତେଲ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ବି କମିଯାଏ, ଦେଶୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ ଲୋକାଲ ତେଲ କିଛି ଲଗେଇଲେ କି ବାମ କିଛି ଲଗେଇଲେ, ଅମୃତାଞ୍ଜନ ବାମ ଲଗେଇଲେ ବି ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବେନର ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ, ବାମ ଲଗେଇ ଦେବେ, ଅନ୍ଧାର ରୁମକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଅଧା ଟିକେ ଖାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲୋକାଲ ରେମେଡି ଘରର, ଆଉ ଯଦି ଲୋକାଲ ରେମେଡିରୁ କମୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆଣି ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି କମିଯାଉଛି ତାହେଲେ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ଯଦି କମୁ ନାହିଁ, ବାନ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନାହିଁ, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ସହିତ ବାତ ମାରୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି, କାହିଁକି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ, ସେ କେବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ରହିବ, ମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟୁର ହେବ ନାହିଁ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟୁର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମେନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ପେନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରି ରେଗୁଲାରଲି ମେଡିସିନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଶାଲିମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ କପାଳି ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଫୁଡ଼୍ ଚାର୍ଟ ଅଛି କି, କେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେନି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନର୍ମାଲ ତାଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଚାର୍ଟରେ ଫାଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ଆଲକୋହଲ ନେବେନି, ଯାହାକୁ ରେଡ୍ ୱାଇନ୍ କୁହାଯାଏ, କଫି ପିଇବେନି, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେନି, ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ହେଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲା, କି ଚିଜ୍ ହେଲା, ବଟର୍ ହେଲା, କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହର୍ମୋନ ଯଦି ଓସିପି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଖାଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଯେ ମାସିକିଆ ବନ୍ଦ କରିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଡାଏଟ୍ରେ ହେଲା ଏଇଗୁଡ଼ା କମନ୍, କ୍ୟାଫିନ୍, କଫି ଆଉ ୱାଇନ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କମନ୍ ଫର୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ କପାଳି ନ ହେବ, ଆମର ଯେମିତି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ନ ହେବ, ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର? ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ନିଜେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଉଛି, ଖରାରେ ବସିଲେ ହେଉଛି, ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ହେଉଛି, କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଖରାରେ ଗଲେ ମୋର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଲେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଯିବେ, କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଯିବେ, ଖରାକୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗରମଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଅଛି, ଟାବ୍ଲେଟ୍ଟେ ପକେଟ୍ ରଖିଥିବେ, ପେନ୍ରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଯଦି ହେଲା ଗୋଟେ ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଭଏଡ଼ କରିବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ଏକଦମ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବେ, ପାଣି ପ୍ରଚୁର ପିଇବେ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ ମାଇଗ୍ରେନ୍, ଆଉ ମିଠା ଖାଉଥିବେ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ଫାଷ୍ଟିଂକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ, ଓଷା ହେଲା କି ଏଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯିଏ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବହୁତ କରୁଛି, ତ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରିସିପିଟେଟ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତା ବଡି ସେ କ୍ୟାପାସିଟିଟା ନେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ୟାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ସେ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଦେଖିବ ନା ମୁଁ ବେଶୀ କଲା ପରେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁ, ତ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଚାଲି ଆସିବ। ଡକ୍ଟର ଶାଲିମ, ଶେଷରେ ଆମର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଇଏ ମାଇଗ୍ରେନ୍କୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ରୋଗକୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଯିଏ ଝିଅ ପିଲା ଥିବେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ତେଣୁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ କମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆପଣ ତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ, କିମ୍ବା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ କମ୍ବ। ଏକ ଦୁଇ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନିଦରେ ଶୋଇବେ, 7-8 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଅଧା କାମ କରି ଅଧା ରାତି ଉଠିବେ ନାହିଁ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ, ଫାଷ୍ଟିଂର ଦୂରରେ ରହିବେ, ଏଇଗୁଡ଼ା କଲେ ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେନ୍ରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବେ, ନ କମୁଛି ଡକ୍ଟରକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ନ୍ୟୁରୋର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶାମି ଶାଲିମ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବୁଝାଇଦେଲେ ଏବଂ ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତା କହିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।